हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंजन और मैं पंकज बोरा आपका होस्ट लेकर आया हूं जेक्वेरी वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर का कैसे यूज़ करते हैं जेक्वेरी में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है। दोस्तों, कोई भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट असल में कोई उस एलिमेंट का एक तरीके से प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ, जैसे कि इस केस में मैंने लिया इनपुट एलिमेंट, तो जो इनपुट एलिमेंट आपको दिख रहा है उसका एट्रीब्यूट है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, जो कि उस एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? ये इनपुट एलिमेंट टाइप टेक्स्ट का है, तो उसका एक प्रॉपर्टी है जो कि एक तरीके से एट्रीब्यूट है उसका। और अगर कोई दूसरा एलिमेंट होता, जैसे कि मान लीजिए कोई एंकर एलिमेंट जैसे कि ए, तो एंकर एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है उसका वो एंकर एलिमेंट कौन से लिंक को रेफर कर रहा है, मतलब HRF। तो HRF इस एंकर एलिमेंट का एट्रीब्यूट हो गया। तो पहले हमने जब एलिमेंट को सिलेक्ट किया था, तब हमने या तो उसके आईडी के बेसिस पे सिलेक्ट किया था, क्लास के बेसिस पे सिलेक्ट किया था, या तो टैग के बेसिस पे सिलेक्ट किया था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एलिमेंट्स को उनके एट्रीब्यूट के बेसिस में सिलेक्ट करें, तो हमें एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़ करना चाहिए। तो देखेंगे हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल में जो आपके साथ मैं जो एप्लीकेशन डिस्कस करूँगा, वो उसका मतलब आउटपुट क्या होगा, वो एंड उसका कैसा होगा, तो हमको दिखा देता हूँ ब्राउज़र में। हम कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन बनाएंगे। ये एक सिंपल एक फॉर्म की तरह लग रहा है। तो नॉर्मल बेसिकली फॉर्म्स ऐसे ही होते हैं। नेम फील्ड है इसमें, एक फादर नेम फील्ड है, फिर ईमेल और कन्फर्म ईमेल फील्ड है। ये जो पहले दो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो टाइप टेक्स्ट के हैं, क्योंकि इसमें नेम और हमें फादर नेम एंटर करना है। और जो आखिरी दो टेक्स्ट इनपुट हैं वो हैं ईमेल फील, मतलब ईमेल टाइप के हैं। HTML5 में मैंने लिखा है इसको, इसलिए मैं ईमेल फील टाइप सेट कर सकता हूँ। तो अब हमें फंक्शनलिटी जो अचीव करना है वो ऐसा है। आपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म के टेक्स्ट फील होते हैं उसमें मैसेज लिखा होता है कि उस फॉर्म में, उस फील्ड में हमें क्या एंटर करना है डाटा। जैसे कि इस केस में लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर अ नेम, तो हमें हिंट दे रहा है कि हमें इसमें क्या एंटर करना है। वैसे ईमेल में लिखा हुआ है प्लीज एंटर एन ईमेल। और आपने जैसे ही देखा होगा कि आपने जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो अपना नेम एंटर करने के लिए, तो वो मैसेज गायब हो जाता है। इस केस में नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने नेम फील्ड में मतलब कोडिंग किया नहीं है, मैंने ईमेल का किया है सिर्फ। तो ईमेल में आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप ईमेल टाइप करने के लिए बॉक्स पर क्लिक करोगे तो ये मैसेज गायब हो जाता है। तो हम देखेंगे इस तरीके की फंक्शनलिटी हम कैसे अचीव करते हैं। और जैसे ही हम इस टेक्स्ट जो या ईमेल फील्ड है उससे हम अपना फोकस हटाते हैं, तो फिर से दोबारा मैसेज आ जाता है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ हम कैसे करते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, ये मैसेज जब रहता है तभी ये मतलब हट जाता, मतलब गायब हो जाता है मैसेज। लेकिन अगर हम मैसेज के सिवा कुछ दूसरा लिखते हैं और फोकस आउट करते हैं, तो हमारा ये जो है गायब नहीं होता। तो हम देखते हैं, चलिए इसको कैसे अचीव करते हैं। सबसे पहले तो आपको दो फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, index.php और दूसरा अपना जावास्क्रिप्ट फाइल, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जिसमें हम jQuery का कोड लिखेंगे। साथ ही साथ आपको jQuery का लाइब्रेरी भी इंक्लूड कर लेना है। और बॉडी टैग के अंदर आपको चार इनपुट टैग मतलब ऐड करने हैं। पहले दो टाइप टेक्स्ट के होंगे और दूसरे ईमेल के, क्योंकि हम ईमेल और कन्फर्म ईमेल के लिए हमको ईमेल मतलब टाइप की ज़रूरत पड़ेगा टेक्स्ट। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमने हर फील्ड को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि नेम, जो दोनों नेम के लिए प्रोवाइड किया, फादर नेम और नेम के लिए, तो उसमें हमने प्रोवाइड किया प्लीज़ एंटर ए नेम, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है। सिमिलरली हमने ईमेल के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है वो हमने पुट कर दिया उसका वैल्यू प्लीज़ एंटर एन ईमेल करके। तो चलिए देखते हैं इसका jQuery का कोड कैसा होगा। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो टेक्स्ट फील्ड में मैसेज शो करना चाहते हैं उसको हमको डिफाइन करना है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक तो होगा जो ईमेल का बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज वो, और दूसरा जो नेम फील्ड में दिखेगा वो। तो ईमेल का सबसे पहले हम ईमेल का कंसिडर करते हैं। ईमेल वेरिएबल का नाम रखता हूँ ईमेल प्लेस होल्डर, जो कि एप्रोप्रिएट वर्ड है, हमें यूज़ करना चाहिए।
और उसको हम सेट करेंगे वैल्यू प्लीज़ PLES प्लीज़ एंटर एन ईमेल, जो कि आपको ऐसे तरीके के मैसेज दिखते हैं। उसके बाद मैं इसी को कॉपी करूँगा और इसके जस्ट नीचे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो होगा हमारा नेम प्लेस होल्डर, जिसमें हम नेम फील्ड में जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज होगा वो हम इधर पे लिखेंगे। प्लीज़ एंटर अ नेम होगा इधर पे, इसको कर देते हैं वैसे। उसके बाद हमारा काम हो गया, हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज होगा वो हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जब भी हम चाहते हैं जब भी हम इनमें क्लिक करें, जैसे कि अगर मैंने ईमेल में क्लिक किया तो फोकस इन हुआ और ये मैसेज जो अभी फ़िलहाल मैसेज नहीं है, अगर मैसेज होता जैसे कि इस केस में अगर मैसेज होता तो ये गायब हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको इन्हें सिलेक्ट करना है, इन एलिमेंट्स को। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए हमेशा कोई भी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं तो हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम या तो आईडी सप्लाई करते हैं या तो क्लास सप्लाई करते हैं, या डिपेंड करता है हम कैसे टाइप के किस बेसिस पे एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। इस केस में हम एलिमेंट को एट्रीब्यूट के बेसिस में सिलेक्ट करना चाहते हैं और हमारा एलिमेंट है इनपुट टाइप का, सारे इनपुट एलिमेंट है तो हम इनपुट लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रोवाइड करने हैं जिसमें हम उसके अंदर अपना एट्रीब्यूट जो हम चाहते हैं कि उसके बेसिस पे सिलेक्ट हो वो हम प्रोवाइड करेंगे। इस केस में हमारा एट्रीब्यूट है ईमेल, तो हम लिखेंगे टाइप इक्वल टू, इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये डब या तो आप बाहर सिंगल कोट्स के बदले डबल कोट्स यूज़ कर लो या अंदर मतलब सिंगल कोट्स यूज़ करो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इधर पे मैं डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि तब क्या होगा, इस इधर का इधर से शुरू होगा जो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है और इधर पे ख़त्म हो जाएगा तो हमारा एरर आ जाएगा। तो फिलहाल हम आपको समझ में आएगी होगा मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया होगा शायद इसमें वीडियोस में। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हम चाहते हैं जब भी हम ईमेल फील्ड में फोकस करें तब हमारा कुछ हो, वो क्या हो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इवेंट बाइंड कर लेते हैं। तो इवेंट क्या होगा, फोकस। तो इवेंट बाइंड करने के लिए हम ऑन इवेंट हैंडलर का यूज़ करेंगे, फिर हम इवेंट मेंशन करेंगे। इवेंट क्या है, फोकस। उसके बाद हम चाहते हैं कि जब भी फोकस हो हमारा कोई फंक्शन रन हो, उस फंक्शन को फंक्शन का जो कोड होगा वो एनोनिमस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि जब भी हम एलिमेंट से फोकस हटाएं, जैसे कि हमने इधर पे किया था, अभी फोकस किया फिर दोबारा फोकस हटाया तो क्या हुआ, फोकस हटाने पे ये फिर से मैसेज शो हो गया। अगर हमने कुछ इसमें लिखा नहीं होगा, अगर लिखा होगा तो मैसेज शो नहीं होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो मैसेज शो हो जाएगा। तो हमें ये भी चीज़ को मतलब अपने अकाउंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, और एक इवेंट बाइंड करेंगे जो कि होगा फोकस आउट के लिए। तो जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो है ब्लर, जो फोकस आउट को दर्शाता है। उसके बाद हम उसमें एनोनिमस फंक्शन लिखेंगे, इसको भी ऐसे कर लेते हैं नीचे। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं जब भी हम एलिमेंट में फोकस करें तो अगर वो एलिमेंट का जो बाय वैल्यू है वो अगर ईमेल प्लेस होल्डर के बराबर है तो हमारा जो एलिमेंट है उसका जो मैसेज है वो गायब हो जाना चाहिए, जैसे कि इस केस में, क्योंकि अभी हम जैसे ही फोकस करेंगे इसका वैल्यू ईमेल प्लेस होल्डर के बराबर है तो ये गायब हो जाएगा। तो हम ये फंक्शनलिटी चाहते हैं, इसको कैसे लिखेंगे कोड में, हम चेक करेंगे कि क्या इसका जो ईमेल का जो फील्ड है उसका वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं, पहले उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का और इसके बेसिस पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो जब भी हम फोकस करें उस एलिमेंट पे तो हम चाहते हैं कि हमारा सबसे पहले उस एलिमेंट में जो वैल्यू है करेंट वैल्यू वो पिक हो। उस वैल्यू को पिक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। डिस का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दो ईमेल फील्ड्स हैं, तो हम चाहते हैं जिस भी ईमेल फील्ड में हम फोकस करें उसी का वैल्यू पिक हो, इसलिए हमने डिस कीवर्ड का यूज़ किया। उसके बाद वैल्यू पिक करने के लिए हम डॉट वैल्यू फंक्शन ऐड करेंगे, तो इससे हमारा
ईमेल फिल का वैल्यू पिक हो गया। फिर हम इससे कंपेयर करेंगे क्या वो वैल्यू हमारे ईमेल प्लेसहोल्डर के बराबर है। इसको पेस्ट करते हैं, अगर बराबर है जैसे कि आप देख रहे हो इधर पे, इसको डबल इक्वल टू से करते हैं। अगर हमारा जिस एलिमेंट में हमने फोकस किया है, जिस ईमेल एलिमेंट में हमने फोकस किया है, अगर उसका वैल्यू ईमेल प्लेसहोल्डर के बराबर है तो क्या होगा, उसका वैल्यू होना चाहिए नल, मतलब वो मैसेज गायब हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेव करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ मैसेज गायब करना चाहते हैं। चलिए इसको देख ही लेते हैं अप्लाई करके काम कर रहा है कि नहीं। इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँगा, जैसे हम इसमें क्लिक करें हमारा मैसेज गायब हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा मैसेज गायब हो गया, क्योंकि हमने इसमें भी यही, ये भी ईमेल फील है तो इसमें भी वो काम करेगा, चीज़ गायब हो गया। लेकिन दोबारा जैसे हम फोकस आउट करते हैं तो हमारा मैसेज नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे करेंगे लाने के लिए दोबारा, वो होगा इधर पे ब्लर में, क्योंकि हम जब भी हम फोकस आउट कर रहे थे जो कि ब्लर कर रहे थे, तब हमारा क्या होना चाहिए। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ कोड होगा, तो हम इसको कॉपी करते हैं सबसे पहले। अब इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या जो जिस फील्ड से हमने फोकस हटाया, क्या उसका वैल्यू ईमेल प्लेसहोल्डर के बराबर है। अगर बराबर है, सॉरी, हम इधर ये चेक करेंगे जो हमने वैल्यू, क्योंकि हमने उसमें कुछ वैल्यू अगर टाइप भी कर सकते हैं, क्या पता हमने यूज़र ने कोई वैल्यू टाइप किया हो, तब हमें वो मैसेज तब वो वैल्यू हटाना नहीं है, वैल्यू रहने देना है। लेकिन अगर वैल्यू नहीं टाइप किया है तो हमें हटाना है। तो उसको कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो ईमेल फील्ड है उसका वैल्यू हम पहले पिक करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे क्या वो ईमेल प्लेसहोल्डर के बराबर नहीं है। इस बार नहीं है होगा, अगर नहीं है तो वैल्यू हम वैसे का वैसे रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर इधर पे फिर अगर इक्वल हुआ हमने गलती किया दोस्तों, हम इधर पे क्या चेक करेंगे, जब भी हम एलिमेंट से ब्लर करते हैं तो हम चेक करेंगे क्या जिस एलिमेंट से हमने ब्लर किया है उसका वैल्यू नल है, नल मतलब एम्प्टी है, इसका मतलब है यूज़र ने कुछ टाइप नहीं किया। तो क्या होगा, अगर यूज़र ने कुछ टाइप नहीं किया और ब्लर कर दिया, एलिमेंट से बाहर आ गया, तो हमारा एलिमेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा डिफ़ॉल्ट मैसेज, मतलब मैसेज शो करेगा। इसको हम पेस्ट करते हैं और इसको एंड करते हैं, और मैसेज क्या होगा, ईमेल प्लेसहोल्डर, इसको हम प्रोवाइड करेंगे आर्ग्यूमेंट में। तो अगर जैसे यूज़र ने एलिमेंट से मतलब फोकस हटाया, तो चेक करेगा कि क्या यूज़र ने कुछ टाइप किया है, अगर टाइप नहीं किया है कुछ भी तो मैसेज शो करेगा कि योर प्लीज़ एंटर एन ईमेल, ऐसे करके। तो ये जो नॉट इक्वल टू होगा, नहीं, ये इक्वल टू होगा। अगर फिर इसके बाद एल्स पार्ट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मतलब एम्प्टी हुआ तो ये मैसेज शो करेगा, नहीं हुआ तो मैसेज शो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट आउटपुट ब्राउज़र में करके, इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं इसमें फोकस करूं तो हमारा ये मैसेज गायब हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये ईमेल फील्ड है, गायब हो गया। लेकिन हम अगर नेम पे करते हैं तो गायब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें अभी तक कोड इसका लिखा ही नहीं है, लेकिन ईमेल में होगा, दोनों ईमेल में होगा। और जैसे मैं ब्लर करूँगा उसको, ये फोकस आउट करूँगा, तो मैसेज फिर से डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर हम इसमें कुछ टाइप करते हैं टू जैसे हम फोकस आउट करेंगे या ब्लर करेंगे, तो कंपैरिजन करेगा कि क्या हमने जो वैल्यू टाइप किया है वो एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो फिर से मैसेज शो होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो मैसेज शो नहीं होगा, बल्कि हमने जो लिखा है वही रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए इसके लिए नेम के लिए भी करते हैं। नेम के लिए करने के लिए हमें सिंपल इसी चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी करके इधर पे हमें पेस्ट करना है। फिर टाइप जो है ईमेल की वजह इधर पे होगा टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट जो नेम है वो टेक्स्ट फील्ड है। अब जब भी हम, और जो ईमेल है इसके बदले होगा नेम, इसको भी हम नेम कर देते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर ही होगा, अलग फंक्शन, सिर्फ हमको इतना मॉडिफिकेशन करना है।
और ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश कर दिया हमने। अब देखते हैं नेम पे क्लिक करके मैसेज गायब हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। इस पे भी करके देखते हैं, ये भी हो रहा है। और जैसे हम फोकस आउट किए तो फिर से मैसेज शो हो गया, लेकिन अगर हम अपना नेम टाइप करते कुछ भी तो जैसे ब्लर करते तो, क्योंकि अभी हमने कुछ टाइप किया तो एम्प्टी है नहीं, तो हमारा मैसेज शो नहीं होगा बल्कि यही रहेगा जो हमने टाइप किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। वैसे ही ईमेल में इधर पे तो हमारा जो फंक्शन है जो हम करना चाहते थे वो सक्सेसफुली हमने कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये फ़ायदेमंद इसीलिए है क्योंकि अगर मैं इस पेज में और भी ऐसे एलिमेंट ऐड करते जाऊँ ईमेल एलिमेंट, तो सब में सबके लिए वो अप्लाई हो जाएगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक टाइप के टाइप ईमेल ही होंगे, तो सारे ईमेल मतलब जो बॉक्स हैं उसको टारगेट कर लेगा हमारा कोड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।